इस हफ्ते भी बॉलीवुड की दो नई फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें कंगना रनौत की फिल्म सिमरन और फरहान अख्तर की फिल्म लखनऊ सेंट्रल शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं इस हफ्ते कौन सी फिल्म ने कितने करोड़ की कमाई करी है। कंगना की फिल्म सिमरन को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिले हैं और साथ ही लोगों को भी ये फिल्म ठीक ठाक ही लग रही है। फिल्म क्वीन जैसा जादू चलाने में शायद कामयाब ना हो पाए। फिल्म ने फ्राइडे को 2.77 करोड़, सैटरडे को 3.76 करोड़ और संडे को 4.12 करोड़ का बिजनेस किया और फिल्म का टोटल 10.65 करोड़ रहा। फरहान की फिल्म लखनऊ सेंट्रल को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज मिले हैं, साथ ही फिल्म ने हर दिन अपने कलेक्शन में बढ़त ही दिखाई है। फिल्म ने फ्राइडे को 2.04 करोड़, सैटरडे को 2.82 करोड़ और संडे को 3.56 करोड़ का बिजनेस करा और फिल्म का टोटल 8.42 करोड़ रहा। शुभ मंगल सावधान। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म शुभ मंगल सावधान अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। फिल्म अजय देवगन की बादशाहों के साथ तीन हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म को मिले स्ट्रॉन्ग रिव्यूज की वजह से फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में भी कमाल का बिजनेस किया है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते 24.03 करोड़ और दूसरे हफ्ते 11.73 करोड़ का बिजनेस करा और अपने तीसरे वीकेंड में भी फिल्म ने 3.42 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करा है और फिल्म का टोटल अभी तक 39.18 करोड़ हो गया है। आपको बता दें कि अक्षय के टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद केवल यही एक ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है। तो दोस्तों, आपकी इन फिल्मों के बारे में क्या राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।